हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदीप सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि सीबीएसई के द्वारा अभी अभी जारी किया गया है 2023-24 एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को देख लें कि इसके लिए आपके पास इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए गए हैं। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। एक चीज ध्यान रखना है, आपका एग्जाम टोटल 3 घंटे का होगा और जिसमें 60 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, 24 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। यहाँ पे अगर देखा जाए, सेक्शन ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी के पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ गिवन 6 + 8 24 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 6 + 11 यानी कि 17 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं 3 घंटे के अंदर। All questions of a particular section must be attempted in correct order. Section objective type को देख लें, 30 marks का है और subjective type questions भी आपके 30 marks के ही होंगे। This section has 6 questions. यहाँ पे 6 questions हैं, कोई negative marking नहीं होती है। As per instruction आपको answer करना है। सभी questions के सामने marks allotted हैं और वो आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। Section B की बात कर ले तो यहाँ पे total 18 questions हैं। ये 6 + 18 वैसे आपको 6 + 11 अटेम्प्ट करने थे, तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस, और मार्क्स वहां भी आपको सभी क्वेश्चन के सामने दिखाई देंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होता है सेक्शन ए। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन और सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होगा, दोनों ही इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के होते हैं। तो आंसर एनी 4 out of given 6 questions ऑन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 4 क्वेश्चन का आंसर करना है 6 में से। That is a feeling extremely nervous and worried because you believe that other people do not like you or trying to harm you. तो ये एक paranoid का impact होता है। ये answer यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने इसके answer scheme को भी open करके रखा हुआ है, so that कि आप आसानी से इस चीजों को भी समझ सके। ये paranoid इसका answer होगा, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? NCERT material से लिया गया है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि the best book to study for this is the NCERT book. NCERT book से ही पढ़ना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और जल्द ही मैं इसका क्वेश्चन आंसर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक निकालने जा रहा हूँ, तो आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में। और ऑलरेडी मैंने क्लास 12th IT का क्वेश्चन बैंक निकाल दिया हूँ, पब्लिश किया हुआ है, बट ये डिजिटल फॉर्मेट में ही आपको अवेलेबल मिलेगा। आप अपने ईमेल के थ्रू ही उसे एक्सेस कर पाएंगे, तो EPDF के फॉर्म में है। मैं उसका लिंक दूंगा और मैं आपको भी लास्ट में वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि वो कंटेंट कहाँ पे है और कैसे है, तो आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज फीलिंग। सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आया? यहाँ पे आंसर आ गया पैरानॉइड। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज द ड्राइव रिक्वायर्ड टू एंगेज इन अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो इसके लिए मोटिवेशन होता है इसका आंसर। डैश सिंबल इज डिस्प्ले व्हेन कॉलम इन कैल्क इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले। तो यहाँ पे हैश एरर आ जाता है, जैसे कभी बार आप कुछ टाइप करते हैं और उसमें वो वैल्यू एडजस्ट नहीं होता है, तो वहां पे हैश सिंबल दिखाई देता है। Dash is not a component in a effective communications, so that is the interrupting. किसी को interrupt नहीं कर सकते effective communication के दरमियान। अगर आप interrupt करते हो तो effective communication break हो जाता है। Individuals who focus on developing solutions that benefit the society are called, उसे हम social entrepreneurs कहते हैं। ऐसे तो entrepreneurs ही है, but वो social category में आएगा। Green skills are primarily focused on promoting environmental sustainability. यहीं पे SDG की बात होती है, sustainability development goals के बारे में हम बात करते हैं इस जगह पे। आइए next questions को देखते हैं। Answer any 5 out of the given 7 questions. यानी कि 7 question में से आपको सिर्फ 5 के answer करने हैं, ध्यान दीजिएगा। The size of double data type in Java 64 bits का ये होता है। अगर हम साइज की बात करेंगे जावा में, तो ये हमारा कितने बिट्स का हो रहा है? ये हमारा 64 बिट्स का होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 64 बिट्स का मतलब होता है 8 बाइट्स का होता है। डैश इज अ स्पेशल मेथड दैट एवरी जावा एप्लीकेशन मस्ट हैव। तो हर एक जावा प्रोग्राम के अंदर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होना चाहिए, मेन मेथड होना चाहिए। विदाउट मेन मेथड आप फंक्शंस को कॉल, प्रोग्राम को, क्लास को एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। चूज द करेक्ट MySQL कमांड टू डिस्प्ले 5% ऑफ सैलरी एज अलाउंस। तो सैलरी का 5% एज अलाउंस दिखाना है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट तो रहेगा ही, तो सेलेक्ट सभी जगह पे दिख रहा है हमें। सैलरी का 5% दिखाना है, तो +0.5 करने का फायदा नहीं होगा। सैलरी मल्टीप्लाई 0.5, ये सही है। सैलरी का 5% यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। और
एज अलाउंस, तो एज कीवर्ड हम यूज करते हैं किसी भी कॉलम का अलियास, अलियास दिखाने के लिए, तो ये सही है फ्रॉम टीचर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो मुझे सही लग रहा है, बाकी मैं कंफर्म कर देता हूँ, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ पे रिनेम कीवर्ड यूज किया गया है जिसके कारण एक मिस्टेक हो रहा है, और यहाँ पे सैलरी प्लस सैलरी का, तो ये तो सैलरी से 105% दिखा देगा ये, अच्छा ये भी दिखाएगा, बट ये 105% आउटपुट दिखाएगा, जबकि हमें कितना दिखाना था, 5% ऑफ सैलरी ही दिखाना। They are programmer who code in high level language. तो जो high level programmer मतलब programming language में काम करते हैं, तो they are the programmers who code in a high level language. तो उसके लिए आप क्या कहोगे, उसे हम application programmer कहते हैं। System analyst का काम है पूरे system को analyze करना, एंड यूजर्स आप होंगे, हम होंगे जो सिस्टम को यूज करते हैं। डीबे का काम है डेटाबेस को मैनेज करना, उसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर इसका सही जवाब है। व्हाट इज बाइट कोड, तो बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड होता है, जावा इंटरमीडिएट कोड होता है। जब कभी भी आप जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो जावा कंपाइलर उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और जिस बाइट कोड को जेबीएम के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है, सिस्टम उसे एक्सिक्यूट करा देता है। तो इसे आप कह सकते हो यहाँ पे जो से दिया गया है उसके हिसाब से कि बाइट कोड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ जावा क्लास 5। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, ये सारे क्वेश्चंस सीबीएसई स्टडी मटेरियल से लिए गए हैं, और यहां पे पेज नंबर भी मेंशन किए गए हैं कि किस-किस चैप्टर के अंदर से ये आंसर लिए गए हैं। ठीक है, डैश आर द रियल टाइम लेक्चर्स, डैश आर द रियल टाइम लेक्चर्स वेयर यूजर पार्टिसिपेट इन द लेक्चर मे आस्क क्वेश्चंस एंड गेट देयर क्वेरीज आंसर। इसे हम वेबिनार कहते हैं। जनरली वेबिनार में ऐसा होता है कि आपसे रियल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसके जवाब भी मतलब आप पूछ सकते हो और उसके जवाब भी आप दे सकते हैं। डिफाइन द स्कोप ऑफ द एप्लीकेशंस, तो स्कोप एप्लीकेशंस का मतलब होता है दैट डिफाइन द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन फीचर्स विथ गोल्स एंड लिमिटेशन, विथ गोल्स एंड लिमिटेशंस के साथ जो हमारे क्लियर पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं उसे हम स्कोप ऑफ एप्लीकेशंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन फ्रंट एंड एंड वन बैक एंड एप्लीकेशंस, तो ये वेब एप्लीकेशंस का बात आ रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्रंट एंड के लिए हम जावा नेटबीन्स का यूज करते हैं, ठीक है, और बैक एंड के लिए हम MySQL का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप यही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए। डैश लूप रन एट लीस्ट वंस, तो इसे हम एग्जिट कंट्रोल या डू व्हाइल लूप दोनों ही आंसर लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आपने डू व्हाइल लिख दिया तब भी सही है, और अगर आपने एग्जिट कंट्रोल लूप लिख दिया तब भी सही है। तो सही जवाब क्या है इसका, डू व्हाइल लूप। फ्रंट एंड में यहाँ पे जावा नेटबीन्स आ गया और बैक एंड में MySQL। डैश क्लॉज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, डिस्टिंक्ट क्लॉज हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए, हमें इसका क्या आंसर आएगा, डिस्टिंक्ट क्लॉज। व्हाट इज द एनईजीपी, एनईजीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। द मेन पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टेंट्स टू चेक द डेटा एंटर्ड इन वन रिलेशन कंसिस्टेंट विद द डेटा एंटर्ड इन अनदर रिलेशन नेम द कॉन्स्टेंट्स, उसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के नाम से जानते हैं, जो कि फॉरेन की और प्राइमरी की के कंसेप्ट से बनता है, मतलब यू इनडायरेक्टली आप कह सकते हो फॉरेन की के कारण ही हो रहा है, ठीक है, जो इस चीज को चेक करता है कि कहीं पे कोई डाटा दिया गया है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रॉपरली कंसिस्टेंट है या नहीं है। फाइंडिंग ऑफ वर्क्स एंड फिक्सिंग नेम हैपेंस इन, किस वे में, वो हमेशा हमारा टेस्टिंग फेज में इस काम को किया जाता है। जब कभी भी हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग फेज में ही हम डिबगिंग का काम भी प्रोजेक्ट को मतलब चेक करते हैं हमारी कोडिंग को। वंस द क्लास इज डिफाइंड वी कैन क्रिएट डैश ऑफ द क्लास एंड एक्सेस इट्स मेंबर, तो उसे हम जब हमें क्लास बना सकते हैं तो हम उसके ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं उसे यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन, 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। मिस्टर सागर वांट्स टू परचेज अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, हेल्प मिस्टर सागर इन चूजिंग द करेक्ट ऑर्डर टू स्टेप टू बी फॉलोड, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए इस काम को करने के लिए। तो पहला कह रहा है प्रोवाइड हिज डिटेल्स और लॉग इन हिज बैकग्राउंड, एड आइटम्स इन शॉपिंग कार्ट, चूज पेमेंट ऑप्शन, सेलेक्ट बाय ऑप्शन। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि उसको करना क्या होगा, सबसे पहले ऐड आइटम्स करना होगा शॉपिंग कार्ट के अंदर में, ठीक है, उसके बाद बाय ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। बाय ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद वो पेमेंट ऑप्शंस पे जाएगा, और पेमेंट ऑप्शंस पे जाने के बाद वो क्या करेगा, बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। तो जो सही ऑप्शन है यहाँ पे BDCA, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। While entering the data in table, Seema is not able to leave the column as a blank in a table. What can be possible? तो not null constraints वहाँ पे define किया गया होगा, और not null constraints हमें यही बताता है कि आप उस columns की value को blank नहीं रख सकते हैं। Generally not null में नहीं, primary key के case में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है।
मेंशन एनी वन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के की कैरेक्टर क्या होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट का बिगिनिंग और एंड होता है, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोजेक्ट का एक फाइनाइट रिसोर्स होते हैं उसके, ठीक है, ताकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी होता है। तो इस तीन में से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को ही आपको लिखना था, लिखना है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। बाइनरी मेथड इज यूज्ड टू अरेंज एन एरे ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए बाइनरी मेथड नहीं होता है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डैश ऑफ अ रिलेशन। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट किसी भी रिलेशन का डिग्री कहलाता है। इसी जगह पे एक टर्म और आता है, एंड दैट इज नोन एज द कार्डिनलिटी, उसे हम कार्डिनलिटी कहते हैं। और कार्डिनलिटी का मतलब होता है, ये इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द डिग्री। कार्डिनलिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज। जब आप नंबर ऑफ रोज की बात करोगे तो कार्डिनलिटी होती है, और जब डिग्री हम बोलते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम की हम बात करते हैं, तो उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चल नेक्स्ट देख लेते हैं कि आगे क्या है। एक बार स्क्रीन में क्लियर, इसको इरेज कर देता हूँ, साफ सुथरा हो जाएगा ये। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रोड्यूस हो गया, इसका आंसर हमने आपको डिग्री बता दिया था, ये डिग्री होगा। प्रिडिक्ट द आउटपुट, डबल क्वांटिटी एक एरे बना हुआ है 46 42, ठीक है। सिस्टम डॉट प्रिंट क्वांटिटी ऑफ 3, क्वांटिटी ऑफ 3, तो इंडेक्स पोजीशन क्या होगा 0 1 2 3। तो क्वांटिटी ऑफ 3 पे क्या वैल्यू है 6.5, तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, इसने क्या, ये तो गलत आउटपुट है यहां पे, दिस इज द रॉन्ग आउटपुट, 13 नहीं आएगा, इट विल बी 6.5, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो जिसकी आउटपुट होगी यहाँ पे क्या था हमारा पहला एलिमेंट, ये है, एक मिनट, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज टू, ओके, एंड यस, माय पेन इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, जस्ट वेट, ओके। तो ये टू हो जाएगा, फिर ये हमारा थ्री होगा, और ये फोर होगा। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो जो आंसर होगा वो 6.5 होगा। क्या होगा आंसर यहाँ पे आंसर होगा 6.5। तो इसको चेक करना है, ये गलत आंसर है। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स। द डेटा कनेक्टिविटी इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द फ्रंट एंड इंटरफेस एंड बैक एंड इंटरफेस इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज। बिल्कुल सही है, जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसी समय हम कनेक्टिविटी वाले प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो इसका सही जवाब है ट्रू। Once the database created, you can check it in the list of the database that currently exists on the server by using, तो इसके लिए show databases command हम इस्तेमाल करते हैं। show databases से आप list of database check कर लेते हैं, show table से, यहाँ पर अगर आप show tables command देंगे तो list of tables in the existing current database में आपको पता कर सकते हैं। Write the MySQL statement that selects all product with a price between 10 and 20 of from product table, तो select star from products where price between 10 and 20, ये कमांड आपको यहाँ पे लिखना। Java is a case sensitive language, yes, Java is case sensitive because it will treating the each and every alphabets as a separately, as a individually, आप small और capital में लिखेंगे तो उसे हम small letter को वो अलग treat करेगा और capital letter को अलग treat। To use the prebuilt classes methods in those rules, use the keyword. I think this answer is also wrong here. This is not the question. Is Java is a case sensitive language? And the answer is given in the marking scheme to use a prebuilt class and set method. They use the keyword input. That is the wrong answer. तो Java case sensitive है, हमें सिर्फ ये बताना है। तो case sensitive का मतलब होता है कि upper case और lower case को Java differently treat करता है, ठीक है। Dash in a Java is the group of related class. तो related classes के लिए हमारे पास package होता है। Next question है, which component is used to compile? Which component is used to compile, debug and execute Java program? कि कौन सा कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल हम जब कंपाइल करने के लिए, डिबग करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे JDK, जावा डेवलपमेंट किट, जिसमें हमें सारी फैसिलिटी मिल जाती है। हम कंपाइल भी कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं JDK के थ्रू, ठीक है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस, क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो रूल होता है उसमें स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी सब तो सही दिख रहे हैं हमें, इस वाले में, बी वाले में प्रॉब्लम है क्योंकि वो वन से स्टार्ट हो रहा है।
दैट मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स द इक्विवेलेंट इंटीजर. उसके लिए पार्स इंट होता है. पार्स इंट से क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं. टू स्ट्रिंग से हम क्या करेंगे, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे. पार्स फ्लोट से स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड पार्स मैथड. ये आपको ध्यान होना चाहिए. This portal is a one point source to access all Indian government websites at all. तो इसको go in GOI government of India directory dot nic dot in कहते हैं. government of India web directory के नाम से जाना जाता है. तो GOI directory dot nic dot in याद रखिएगा इसे. Rima wants to arrange the name of the students in alphabetical order in student table. Give the MySQL command. तो यहाँ पे order by command चलेगा. तो order by आपको use करना है. Select name from student order by नेम. ऑर्डर वाइज क्लॉज से हम क्या करते हैं, हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में काम करता है, बट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था तो यहाँ पे आप ऑर्डर बाय नेम के बाद अगर DESC लगा देते तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है. और बाय डिफॉल्ट ये ASC होता है, डिफॉल्ट होता है, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर. दैट इज डैश इज अ नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन. सम एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट एग्रीगेट फंक्शंस है, एवरेज एग्रीगेट फंक्शंस है, बट राउंड हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है जो एग्रीगेट होता है. एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं, मैक्स है, मीन है, एवरेज है, ठीक है, सम है और एक काउंट है हमारे पास. तो ये पांच एग्रीगेट फंक्शंस हैं टोटल, बट ये राउंड नहीं है. गिव वन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन. तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टाइम का सेविंग हो जाता है, आपको जाने की जरूरत नहीं होती है, फालतू के लाइनों में नहीं लगना पड़ता है ना. तो कन्वीनियंट है और टाइम सेविंग है दो में से, ठीक है. आपको कोई एक बेनिफिट लिखना है. और ये सारा कंटेंट कहाँ से लिया गया, CBSE स्टडी मटेरियल से लिया गया है. जैसा कि आप देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको यहीं पे स्टडी मटेरियल के अंदर ही मिल जा रहा है. तो किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है. और स्टडी मटेरियल के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन आंसर का सेट तैयार किया है. अभी और भी उसमें सही सारे क्वेश्चंस ऐड ऑन होते रहेंगे टाइम टू टाइम, और वो अपडेट भी आपको मिलता रहेगा. तो वो वाली बुक आप जरूर परचेस करें. और मैं आपको उस बुक का लिंक दूंगा, इसमें PDF में आपको लास्ट में बताऊंगा वो कौन सा बुक है, ठीक है. Explain any two method to deal with the stress. Explain any two method to deal with the stress. और ये हम पहुंच चुके हैं subjective type questions में, जहां पे पहला questions हमारा employability skills का होता है. तीन question answer करने हैं out of 5 में से, ठीक है. 20 to 30 words में answer करने हैं. तो क्या कहता है, two methods to deal with the stress. स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए. सबसे पहला कहता है कि आप पॉजिटिव रहें, है ना, काल्म रहें, सीट्स है, मेंटेन है, कंप्रेसिव सीट्स है, नेम है, मतलब अपने आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को आप काउंट करें, अपने थॉट्स को प्रेजेंट में रखें, ठीक है. पॉन्डरिंग ओवर द पास्ट इश्यूज, मतलब पुरानी चीजों को मत सोचिए ज्यादा, जिसमें आपको लगता है कि कुछ खराब हुआ था भूल जाइए उनको. टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर कम्फर्ट. प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा. तो इसमें से किसी दो पॉइंट्स को आपको मेंशन करना था यहाँ पे. What are the essential components of effective written communication? देखिए effective written communications के लिए सबसे important होता है clear and concise expressions of ideas to convey informations accurately. The components include इसमें clarity आ जाती है, conciseness आ जाती है, correctness आ जाती है, completeness आ जाती है और courteousness आ जाती है, ठीक है. तो these are the सब components, essential components of effective written communications. What are the essential पूछा इसने, आपको उसके बारे में बताना है. Explain the concepts of the eco-friendly environmental impact of product and support sustainable practices. मतलब ये कहना ये चाहता है कि जब आप कोई इकोनॉमिकल इको फ्रेंडली कंज्यूम्स सामान को परचेस करते हैं या देखते हैं तो आप खरीद रहे हैं, मतलब जो इको फ्रेंडली कंज्यूमर्स होते हैं तो एक्चुअली वो किसी भी सामान को खरीदते हैं तो वो इन्वायरमेंट के बारे में भी कंसिडर करते हैं कि इससे क्या नुकसान हो सकता है. कॉन्शियस कंज्यूमर्स बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस द मार्केट ट्रेंड्स, इनकरेज सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स विद लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स एंड फ्यूअर रिसोर्सेज. ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है जिससे कि मतलब कार्बन जनरेशन कम हो और सोसाइटी मतलब इन्वायरमेंटल नुकसान कम होना चाहिए. ड्राइविंग कंपनीज टू अडॉप्ट द ग्रीनर प्रोडक्शन. कंपनी को इंसिस्ट करती है कि आप ऐसे ही प्रोडक्ट लाइए, क्योंकि कंज्यूमर अगर ऐसे ही प्रोडक्ट को सिर्फ परचेज कर रहा है तो अगर कोई गलत कंपनी कोई गलत चीज बनेगा तो फिर उसको यूज में नहीं लिया जाता, तो कंपनी अपना नुकसान क्यों करेगी. तो वो फिर ऐसे प्रोडक्ट बना के बेचेगी जिसको कंज्यूमर डिमांड कर रहा है.
रिसाइकल्स कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं, ऐसे ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादा मार्केट में डिमांड किया जाता है कि आपने उसका सामान लिया और फिर आप उसको यूज सामान को आप उसे वापस कर दो, प्रॉपर तरीके से उसे रिसाइकल करेगा। इंक्रीजिंग द अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग ज्यादा हो रहा होता है, शिफ्टिंग द मार्केट टुवर्ड्स अ मोर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल अप्रोच। राइट डाउन द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट कैल्क। स्प्रेडशीट कैल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू मूव इन द टूल्स मेनू। टूल्स मेनू में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, वहां से सीट सेलेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट सीट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे पासवर्ड डालिए और कंफर्म पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए, आपका सीट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। What are the two major functions performed by an entrepreneur? Entrepreneur के द्वारा वो कौन से दो major functions perform किए जाते हैं? The two major functions performed by entrepreneur, the major function performed by entrepreneurs are as follow. क्या क्या है? Identifying entrepreneurial opportunity, turning ideas into actions, feasibility study, ठीक है, resourcing, setting up an enterprise, managing the enterprise, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें से किसी दो को ही आपको बताने हैं। आइए अब हम पहुंच गए हैं फिर से सब्जेक्टिव स्किल्स में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जहां पे आपसे कहा जा रहा है कि तीन क्वेश्चंस का आंसर करना है पांच में से। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स का आपको आउटपुट देना है, बताना है। ये क्लास मेन, पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, ये क्लास का नाम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही मेन मेथड है जो हर एक क्लास के अंदर होता है। स्ट्रिंग एरे, मतलब ये एरे रिप्रेजेंटेशन होता है, आर्क्स, स्ट्रिंग आर्क्स इसको हम बोलते हैं। इन डे फोर स्विच डे, तो स्विच क्या हुआ, हो गया, इसमें से केस के साथ वैल्यू मैच करेगा, डे की वैल्यू फोर है, तो अब यहाँ पे केस सिक्स है, केस सेवन है, और हर एक केस के बाद इसने मैसेज दिया हुआ है, टुडे सैटरडे ब्रेक, टुडे संडे ब्रेक, और ये डे की वैल्यू क्या है, फोर, तो ये भी केस मैच नहीं करेगा, ये भी केस मैच नहीं करेगा, तो कहा जाएगा सीधा डिफॉल्ट पे, और डिफॉल्ट में क्या मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन आएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस। एक्सप्लेन ड्रॉप टेबल विद कैस्केड कमांड इन MySQL। ड्रॉप टेबल विद कैस्केड कमांड क्या करता है कि it will drop with the cascade options, that is all constants that refer this table would also be automatically dropped. Example, drop table teacher cascade. तो जितने भी constants defined होंगे इनके साथ, इस teacher table के साथ, वो सारे के सारे dropped हो जाएंगे, अगर कोई relations होगा तो उसे भी dropped कर दिया जाएगा। Explain any two operations performed on a database. तो डेटाबेस के साथ आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आपको उसे एक्सप्लेन करना है। तो देखो, एक डेटाबेस के साथ हम क्या करते हैं, डेटाबेस को हम डिफाइन करते हैं, डेटाबेस के अंदर में डेटा पॉपुलेट करते हैं, स्टोर करते हैं, डेटाबेस को हम मैनिपुलेट करते हैं, डेटाबेस को हम शेयर कर सकते हैं, डेटाबेस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो दीज आर द सम पॉइंट्स, दीज आर द सम ऑपरेशंस व्हिच इज परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस। तो आप इसमें से किसी दो पॉइंट्स को बताएंगे। A hospital is making database of a doctor and patients. Doctor table includes doctor code, IDOC name, ठीक है, department. Give the details of the patient table. एक patient tables के अंदर में क्या होना चाहिए, एक patients की ID। देखिए, एक बड़ा common सा question है, पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ चीजों का, एक तो primary की के बारे में सोच लीजिए, तो patient table है तो patient की ID होगी, फिर patients का doctor ID होगा, वो किस doctor के treatment के साथ जा रहा है, date of appointment होगा उसका patients का, कि किस date किस doctor के साथ उसका appointment है, phone number हो सकता है उस patients का, और उस patients के और भी details हो सकते हैं, आप patient का नाम भी बता सकते हो वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से आप पेशेंट का नाम, पेशेंट का एड्रेस, तो ये सारा डिटेल भी आप वहां पे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट टेबल नहीं है, ये पेशेंट टेबल है, तो पेशेंट का नाम, पेशेंट पीआईडी, पी नेम, है ना, पेशेंट्स को क्या डिजीज हो गया, पेशेंट किस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले रहा है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, तो ये सारा मेंशन इसमें हम कर सकते हैं। फाइंड एरर एंड राइट द करेक्ट कोड। अब इसमें एरर देखना है, तो सबसे पहला एरर आपको यहीं पे दिखा जा रहा है, ये दिस इज द इक्वालिटी ऑपरेटर बट दिस ट्राई टू असाइन द वैल्यू। तो एक तो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन नहीं है, तो इसका डेटा टाइप मिसिंग है, आई के साथ डेटा टाइप नहीं दिया हुआ है, तो आपको इंट आई और सिंगल इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर जीरो लिख के सिंपल लगाना था। उसके बाद आपने वाइल लूप लिखा, वाइल लेस देन आई, ये और सही है इस लाइन पर। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन आई, इस लाइन में भी कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिल रही, बट एक एरर है यहाँ पे, एंड सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ है, तो सेमी कॉलन आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आई प्लस प्लस सही है यहाँ पे। अब ये ओपन करली ब्रेसेस का क्लोज करली ब्रेसेस मुझे नहीं दिख रहा है, तो क्लोज करली ब्रेसेस भी आपको यहाँ पे लगाना है। ये दो नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब हो गया कि टोटल चार एरर आपको इसके अंदर में देखने को मिलेंगे। Complete the code in a Java using a loop to print yes 5 times. अब yes को 5 times लिखने के लिए इस कोड को complete करना है। तीन नंबर का क्वेश्चन है, तीन फिलअप्स दिया हुआ है।
तो ये आप स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो कि दिस इज द फॉर लूप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, हमें फॉर लगाना होगा। फॉर लूप पे क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है और अपडेट स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई या आई इक्वल टू आई प्लस वन, इस तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जा सकता था। अब यहाँ पे क्या है, यस को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट द यस 5 times। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये शॉर्ट में मत लिखिएगा, फुल लिखिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपको ये लिखना होगा। तो ये टोटल 3 mistakes हैं इसके अंदर में, मतलब फिलअप्स थे जो आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, रीना वॉन्ट्स टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट्स फ्रॉम एस, फाइंड द एरर इन द गिवन MySQL। अब देखिए ये लाइक पैटर्न का क्वेश्चन है, पैटर्न मैचिंग क्वेश्चन है, तो लाइक क्लाउज के साथ यूज होता है। रीना ने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक एस, ठीक है, स्टार एस लिखा, जबकि ये स्टार एस नहीं होगा, ये एस परसेंट होता है, एस परसेंट। देखिए दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स लाइक पैटर्न के साथ यूज होते हैं, एक होता है अंडरस्कोर और एक होता है परसेंट। अंडरस्कोर का मतलब हो गया सिंगल मिसिंग कैरेक्टर, परसेंट का मतलब हो गया एनी मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है कि दिस मस्ट बी क्लोज इनसाइड द सिंगल और डबल कोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी बनता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक पर सिंगल कोट एस परसेंट सिंगल कोट एंड सेमी कॉलन, ठीक है। क्लासिफाई देम इनटू डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। डीएमएल कमांड में आपको ध्यान में रखना है सेलेक्ट को, देखिए आप सेलेक्ट को याद रखिए, आप इंसर्ट को याद रखिए, आप अपडेट को याद रखिए, ठीक है, और आप डिलीट को याद रखिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो एस आई यू डी को आप याद रखिए, एस आई यू डी। आप इसका कोई शॉर्टकट बना भी सकते हैं, डी यू आई एस भी कर सकते हैं, डी यू आई एस, ठीक है, जो भी नाम आपको याद हो जाए आप वो भी कर सकते हैं, एस आई यू डी भी याद कर सकते हैं, यू आई डी, यू डाई एस, यू डाई ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक पोर्टल होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, यूडाइज, तो यूडिस भी याद कर सकते हैं, यूडिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपडेट कमांड आपका डीएमएल कमांड है, डिलीट आपका डीएमएल कमांड है, और क्रिएट और अल्टर दोनों ही आपका डीडीएल कमांड है। तो अपडेट क्या हो गया डीएमएल, ठीक है, डिलीट क्या हो गया डीएमएल, क्रिएट डीडीएल एंड अल्टर डीडीएल कमांड है, ठीक है। तो सर मैं स्क्रीन एक बार साफ कर लेता हूँ, बहुत सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो सॉरी आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंकिंग। देखिए डेटाबेस का काम क्या होता है, रिकॉर्ड करना इंफॉर्मेशन। डेटाबेस सिस्टम कहते किसको है, सिस्टम इज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मैनेज द रिकॉर्ड्स, बल्क अमाउंट ऑफ द रिकॉर्ड्स विच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रिएटिंग द डेटा, स्टोरिंग द डेटा, रिट्राइविंग द डेटा, सर्चिंग द डेटा, मैनिपुलेटिंग द डेटा, तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। अब आता है कि इस डेटाबेस एप्लीकेशंस का बैंकिंग में क्या यूज होगा। तो बैंक में कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेली ट्रांजेक्शन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोन, तो ये कई सारी चीजों के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होगा। तो कहाँ स्टोर करेंगे, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द डेटाबेस। चलिए पहुंच गए नेक्स्ट, यहाँ पे 3 questions दिया है, 3 questions सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 5 questions। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं, टोटल कितना क्वेश्चन था, 24 questions थे ये, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं 20 questions पे। राइट अ सिंगल लाइन जावा कोड यूजिंग स्ट्रिंग मेथड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, स्ट्रिंग सी एल क्लास 12, ठीक है, एक क्लास 12 स्ट्रिंग बना हुआ है, स्ट्रिंग का नाम है सी एल। अब कन्वर्ट द कैरेक्टर टू कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रिंग फंक्शन होता है उसका नाम होता है टू अपर केस। तो क्या लिखना है आपको, सी एल डॉट टू अपर केस, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सी एल डॉट लेंथ, लेंथ निकालना है। एड अ वर्ड टॉपर्स एट द एंड, तो एंड करने के लिए हम कॉन्कैट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सी एल डॉट कॉन्कैट टॉपर्स। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। What is the purpose of constructor? Constructor एक special types of methods होते हैं किसी भी class के अंदर में, object-oriented programming के अंदर में, which will call automatically to create the instance of the class. The constructor method used to initialize the data member of the class, data member of the instance of the class, object के data member को, ठीक है, उसको initialize करने के काम में आते हैं। Name two e-commerce websites. अब कई सारे e-commerce websites हैं, Myntra, Snapdeal, Flipkart, Amazon, कई सारे हैं जिसका भी नाम चाहे आप लिख सकते हैं। Creating a strong password is vital. A strong password has 6 to 8 alphanumeric characters, special symbols, only numbers, both in. अब ये alphanumeric यहाँ पे कह दिया, तो alphabet भी आ गया, number भी आ गया, special symbol भी आ गया, तो ये हटा दीजिए, तो both AB. तो options कौन सा होगा? Option 4 हो जाएगा यहाँ पे।
व्हाट आर द चैलेंजेस इज ऑनलाइन लर्निंग? ऑनलाइन लर्निंग में क्या चैलेंज है? देखिए ऑनलाइन लर्निंग सबसे इजी भी है और टफ भी है, तो चैलेंजेस यहाँ पे जो हो जाता है ना, वो चैलेंज हो जाता है एक स्टूडेंट के मोटिव के ऊपर, एक स्टूडेंट्स का ध्यान कहाँ है, उसका पर्पस क्या है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आप खुद से अपने आप को गाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, है ना। इट्स प्रोन टू टेक्निकल इश्यूज, जो भी टेक्निकल इश्यूज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लर्नर में लूज इंटरेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है, आपका कई बार मन नहीं होता है तो आप पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर इन क्लास में हो तो टीचर डांट लगा देंगे आपको पढ़ने के लिए, तो आप उस काम को करते हैं। नेम द यूजर डिफाइंड मैथड इन अ कोड गिवन बिलो, ऑल्सो प्रेडिक्ट द आउटपुट स्टैट, ठीक है। नेम द यूजर डिफाइंड मैथड इन द कोड, तो यूजर डिफाइंड मैथड का क्या नाम है यहाँ पे, तो जो मेथड यहाँ पे लिखा गया स्टैटिक इंट और इंट के बाद जो वर्ड यूज किया गया है माई मेथड, इस मेथड का क्या है वो नाम है, तो नाम हो गया माई मेथड, ठीक है। ऑल्सो प्रिडिक्ट द आउटपुट, आउटपुट क्या देगा, आउटपुट भी मुझे प्रिडिक्ट करना है इसमें, चलिए इसका आउटपुट क्या है जब देख लें यहाँ पे, माई मेथड इंट एक्स, तो इसने क्या किया रिटर्न 5+x, तो यानी कि 5+x कर दिया, x की वैल्यू जो भी होगी। अब आपने आ जाइए यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आ गया सिस्टम प्रिंटल माई मेथड 3, तो यहाँ पे इसने माई मेथड 3 करके कॉल किया, तो 3 किसको मिला, x को मिला, ठीक है। और x के पास क्या यहाँ से आ गया 5, 5+3, 8, और इसने रिटर्न क्या किया 8, आउटपुट भी प्रिडिक्ट करना था हमें, तो यहाँ पे मेथड का नाम तो माई मेथड है, ठीक है, और आउटपुट क्या हो गया यहाँ पे, आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे 8, आउटपुट क्या हो गया 8। अब देखिए ये CBSE का ही मार्किंग स्कीम है जो मैंने राइट साइड में खोल के रखा है, ये मार्किंग स्कीम मैंने नहीं बनाया अभी, आपको पहले बता देता हूँ। तो लेकिन इस मार्किंग स्कीम में देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट आंसर है, यहाँ पे सिर्फ माय मेथड लिखा हुआ है, 8 कहीं पे दिख ही नहीं रहा है इस जगह पे, जबकि 8 भी यहाँ पे होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, क्योंकि इसने आउटपुट भी पूछा है हमसे, ऑल्सो प्रेडिक्ट द आउटपुट। एक्सप्लेन एनी टू एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर वो होता है जो डिसाइड करता है कि डेटा मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होंगे या नहीं होंगे, डेटा मेंबर्स एज वेल एज मेंबर मेथड्स, मेथड्स है ना, तो ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए एक्सेस मॉडिफायर हम यूज करते हैं, जहाँ पे कई प्राइवेट जावा के अंदर में तो 4 तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड फ्रेंडली, फ्रेंडली जिसको कि हम डिफॉल्ट कहते हैं, आप कुछ भी नहीं दीजिएगा तो डिफॉल्ट मॉडिफायर के साथ काम करता है। What is an access? अच्छा, private का मतलब हो गया, जो आप चाहते हो कि ये private रहे, ये किसी और के द्वारा access नहीं हो, ये कोई इससे access नहीं कर सके, तो हम private बनाते हैं। एक होता है हमारा public, public members of the class has the visibility both within the class and outside. By default, all members class are public. ये जावा कहती है, ठीक है। Explain any what is exceptions? Exceptions क्या होता है, जब runtime errors होते हैं, the errors occurs during the execution of the program which interrupt the execution of the program, that is called exceptions. उसे हम exceptions कहते हैं। Unexpected होता है, वो planned नहीं होता है, जिससे कि आपका program terminate हो जाता है unexpectedly, इसलिए इसे exception कहते हैं। Explain any each of the following terms. Explain each of the following terms in exception handling. Try block. Try block का काम होता है, try block contains the part of the program where the exceptions might occur. Catch block. Catch block का काम होता है, catch block handles the exceptions, especially code that is executed when exception occurs. Finally block. Finally block का काम होता है कि contains the code to be executed when the try block exists. मतलब जब try block से आप बाहर निकल रहे हो, exit हो रहे हो, तब आप चाहते हो कि कोई code execute हो, तो for that purpose we are writing the finally. ठीक है, मतलब एक्सेप्शन हो नहीं हो, ट्राई से आप बाहर निकलो तो आपका फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, तो ऐसे कोड जो आप चाहते हो कि हमेशा एग्जीक्यूट करे, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द फाइनली। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स एंड राइट द MySQL कमांड्स, ठीक है। टेबल का नाम है स्टोर है, ये सारे कॉलम्स हो गए, एक ऑनर टेबल हो गया, इसके 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट इन ईच लोकेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट इन ईच लोकेशन, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लिखना होगा Select location और count number of employee. Number of employee हमारे पास यहाँ पे है, क्या कह रहा है, display the number of employee present in each location. तो ठीक है, number of employee हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखना है select, ठीक है, sum of number of employee, ताकि हम employee को जोड़ सके, ठीक है। From table का नाम हो गया store, और यहाँ पे क्या कर देंगे group, और group by हमारा यहाँ पे हो जाएगा location. तो लोकेशंस के बेसिस पे आपको क्या करना है, इसको ग्रुपिंग करना है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट सम नंबर ऑफ एम्प्लॉय कॉमा लोकेशन, लोकेशन भी दिखा दीजिए साथ में, ताकि लोकेशन वाइज पता चले एंड ग्रुप बाय लोकेशन हो गया।
Display the store name, location and date of opening of a store that were opened before 2015. 2015 से जो पहले ओपन हुआ है ना, उसका हमें स्टोर का नाम, लोकेशन एंड डेट ऑफ ओपनिंग दिखाना है. डेट ऑफ ओपनिंग तो नहीं दिया हुआ है, ईयर ऑफ ओपनिंग दिया हुआ है. तो आपको लिखना है सेलेक्ट स्टोर नेम लोकेशन ओपनिंग ईयर फ्रॉम स्टोर वेयर ओपनिंग ईयर लेस देन 2015. बड़ा सिंपल सा था ये, सिंगल या डबल कोट्स में ना भी बंद करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ईयर वैल्यू सिर्फ इंटीजर फॉर्मेट में ही होगा. To add a new column cell, तो alter table command से लेगा यहाँ पे alter table store add cell integer, ठीक है. To display the store name and owner name in all stores in Mumbai, तो यहाँ पे join query का concept आ गया. Select a store name, owner name from store, comma owner where store dot owner id. अब देखिए यहाँ भी owner id है और यहाँ भी owner id है, तो इससे हम क्या करेंगे, ये हमारा referential integrity हो गया कि यहाँ पे ये primary key और यहाँ पे ये foreign key हो गया, ठीक है. तो अब question लिखाएगा select store name comma owner name from store owner where store dot owner id equal to owner dot owner id, और क्योंकि इसने कहा मुंबई वाला चाहिए तो and location equal to मुंबई, location equal to मुंबई. इस तरह से आपको ये output मिल जाएगा. तो ये रहा आपका MySQL का solution. अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगा जो मेरा ही कंपाइल किया हुआ बुक है, उसमें चैप्टर वाइज पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर वहां पे कंपाइल किए गए हैं और कई तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, कुछ फिलअप्स भी देखने को मिलेंगे. तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने वेबसाइट्स पे, चलते हैं मैं अपने वेबसाइट्स पे चलता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ MySQL ट्यूटोरियल वाले साइट्स पे आप आ जाइएगा, ठीक है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं. और इस साइट पे आने के बाद आप डाउनलोड पे आएंगे और डाउनलोड में आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा क्लास 12 IT 802 चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक डाउनलोड, ठीक है. तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये आपको एक बुक, आपको यहाँ पे देखिए ये बुक मैंने ही कंपाइल किया है, मेरे ही नाम से है, ठीक है. तो ये बुक आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, डेटाबेस कंसेप्ट, ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन, फंडामेंटल, सारे टॉपिक को कवर किया गया है. और इसके लिए आपको इस लिंक पे जाना होगा. अब इस लिंक पे आप कैसे जाएंगे आप ये भी देख लीजिए. इस लिंक पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं, या तो आप इस इमेज यहाँ क्लिक कर दीजिए इस बटन पे, या आप इस किसी भी इमेज, इस बीच वाले इमेज पे भी क्लिक कर देंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा. देखिए आप क्लिक करते आप हमारे इस ऑर्डर फॉर्म पे आ जाएंगे. हाँ, ये बुक आपको बाय करनी होगी और ये बुक डिजिटली ही अवेलेबल होगी, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल भेजना है, फोन नंबर, बैंक, बुक का नेम सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा बुक लेना चाहते हैं. हर एक बुक का यहाँ पे प्राइस मेंशन है. आप अगर ये वाला बुक ले रहे हैं तो इसका प्राइस 111, मतलब काफी कॉस्टली नहीं है, काफी सस्ता रखा गया इस बुक का प्राइस. कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इस बुक का प्राइस 500 होना चाहिए था, मैंने कहा नहीं, ये हमारे बच्चों के लिए है, बच्चे ऐसे ही एक्सेस करेंगे. कई गरीब बच्चे भी होते हैं जो एक्सेस नहीं कर सकते, तो मात्र 100 रुपया रखा गया आपके एक मोबाइल रिचार्ज के भी कॉस्ट से कम, आपके एक महीने के मोबाइल रिचार्ज का कॉस्ट से भी कम होगा ये, ठीक है. तो आप यहाँ पे करने के बाद एड्रेस डालिए, ट्रांजेक्शन स्टेट डालिए, यहाँ से आप स्कैन कोड करके, स्कैन करके किसी भी UPI से आप स्कैन करके आप हमें पे कर सकते हैं. पे करने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी आपको मेंशन करना है, डेट, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि ये पेमेंट आपके द्वारा ही किया गया. तो ट्रांजेक्शन आईडी से ही वो कंफर्मेशन होगा, किस बैंक से भेजा गया या कौन से मोबाइल नंबर से भेजा गया, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, और रिमार्क्स या बुक का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं. यहाँ पे टर्म एंड एग्री कीजिए, सबमिट कर दीजिएगा. सबमिट करते ही हमारे पास मेल आ जाएगा, मेल आते ही मैं आपको उस बुक का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा. और फिर से मैं बताना चाहता हूँ, वो बुक सिर्फ आपके ईमेल आईडी के थ्रू ही ओपन होगा. अगर आप ऐसा सोचें कि उस बुक को आप प्रिंट कर सकें तो नहीं कर पाएंगे, डाउनलोड कर सकें नहीं कर पाएंगे, मैं फिर से बता देता हूँ. तो परचेस करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, बुक का कॉस्ट सिर्फ 111 रुपीज की है और ये कॉपीराइट बुक है, आप इसके कंटेंट को किसी और को शेयर नहीं. तो ये रहा आज के वीडियो में, और आज हमने डिस्कस किया सॉल्यूशंस के बारे में. तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर.